नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और ट्रेंडिंग विद अमीश के लेटेस्ट एडिशन के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आज की जो मेहमान है हमारी वो भी इस समय बहुत बहुत चर्चा में है और आज उनके साथ हम संवाद करेंगे। मेरे साथ मौजूद है, एक समय पर कांग्रेस की प्रवक्ता रही, कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर रही, राधिका खेड़ा जी। राधिका जी हमारे साथ इस समय हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए तैयार हैं। राधिका जी, 22 साल आपने जिस पार्टी में पसीना बहाया, 22 साल जिस पार्टी की आप आवाज बनी, 22 साल जिस पार्टी के लिए आपने सब कुछ कहा, सब कुछ सुना, सब कुछ सहा तक, लेकिन छत्तीसगढ़ के कांग्रेस दफ्तर में उस 22 मिनट में क्या हुआ जिसने 22 साल की मेहनत को डगमगा दिया? अमीश जी, मैं 17 साल की थी जब मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया और 17 साल से आज 40 साल की उम्र तक मैंने अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं किया, ना कहीं नौकरी करी, ना कोई और काम किया, 24 घंटे सिर्फ पार्टी का काम किया। मुझे और कोई चीज करनी भी नहीं आती और लगातार जहां जहां पार्टी मुझे भेजती थी, चाहे गुजरात था, मेघालय था, चाहे कर्नाटक था, जिस भी स्टेट में, पंजाब, हरियाणा, मैं हमेशा पूरी निष्ठा से काम करती थी। जो पार्टी की लाइन होती थी उसके कभी मैं विरुद्ध नहीं गई। और फिर एक वक्त आया जब मेरे घर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, मेरी नानी की डेथ हो गई और वो बहुत बड़ी राम भक्त थी। जब राम लल्ला को टेंट में रखा हुआ था वो तब भी दर्शन करके आई थी और ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि राम जी के दर्शन करना। उनकी डेथ के बाद मेरी मदर ने कहा कि वो राम जी के दर्शन करना चाहती हैं, तो हम रामलला के दर्शन करके आए। उसके बाद जब मैं आई तो मतलब मेरे लिए एक अद्भुत एक्सपीरियंस था वो, जिसे कहते ना, मैं तन मन आत्मा से बिल्कुल राममय हो चुकी थी। उसके बाद मैं जब वापस आई, मैंने अपने घर के बाहर जय श्री राम का ध्वज भी लगा दिया जो मैं वहीं अयोध्या से लेकर आई थी। उसके बाद से जब मैंने फोटो शेयर करी, हर जगह डाली, तो उसके बाद से एक बहुत गुस्सा सा मेरी पार्टी में आ गया। ये थोड़े दिन पहले भी हुआ था, जब राम मंदिर में मूर्ति की स्थापना हो रही थी तब भी मेरे घर में सुंदरकांड का पाठ था, मैंने बहुत सोशल मीडिया पे डाला, तो तब भी पार्टी से मुझे बहुत बैकलैश मिला था और मुझे बोला गया था कि वो फोटोग्राफ्स को, वो पाठ की सारी वीडियो को उतार दे, लेकिन मैं अडिग रही और मैंने नहीं हटाया। तो लगातार मुझे ये कहा जाता था कि मैं बहुत धर्म को लेके स्ट्रांग व्यूज रखती हूँ, मैं हिंदू धर्म को लेके स्ट्रांग व्यूज रखती हूँ, और कहा जाता था तुम बहुत हिंदू हिंदू करती हो, कम बोला करो। जबकि मैंने कभी भी कोई पार्टी लाइन क्रॉस नहीं करी थी, हम एक सेक्युलर पार्टी हैं, तो उस हिसाब से मेरे को पूरा हक बनता था धर्म प्रैक्टिस करने का। और मैं सिर्फ तब बोलती थी जब हमारे धर्म पे कोई अटैक होता था। मैं कभी भी किसी और धर्म को छोटा नहीं करी हूं और किसी एक धर्म को बड़ा नहीं करी हूं, लेकिन इस बात की सजा मुझे इस तरीके, ठीक है, आपने मुझे डिबेट्स पे रोक दिया, आपने मुझे और काम देने से रोक दिया, आपने मुझे ऑफिस में जलील कर दिया, लेकिन उसके बाद एक ऐसा षड्यंत्र रचा जाएगा जिससे मेरे आप अस्तित्व को ललकारेंगे, मेरी इंटेग्रिटी को ललकारेंगे, ऐसा पार्टी करेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं हमेशा से कहती आई हूं कि पार्टी मां होती है और मां हमेशा अपनी बेटी की रक्षा करती है, लेकिन यहां तो मां खुद पूतना बन गई और जहरीला दूध तो छोड़िए, मेरे को हर तरीके से मारने का काम किया। मैं जब उस वाक्य के बारे में सोचती हूँ मेरे अभी भी रोंगटे खड़े होते हैं और मैं घबरा जाती हूँ। वो वीडियो सबने, एक वायरल वीडियो आया था जो कि बहुत सारे चैनल्स पे चला, सोशल मीडिया पे भी चला, उस वायरल वीडियो में आप रोती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस का छत्तीसगढ़ का ऑफिस है और आप कह रही हैं कि आज तक मेरे साथ कभी इस तरह का बिहेवियर नहीं हुआ। और आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बोला कि बहुत गंदी गंदी गालियां दी गई, बहुत अपशब्द कहे गए, क्या हुआ था? मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में थी, मैंने कुछ चैनल्स को बाइट दी थी और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से मैं मोदी जी की सरकार को, मोदी जी को जिस तरीके की मैं निंदा करती थी, हमारी पार्टी में कोई इतने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता था। कई बार मुझे बोला भी जाता था मेरे घर वालों से भी कि इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मैं फिर भी बेखौफ होकर डरता से करती थी। वही मैं कर रही थी। उसके बाद मैं सुशीलानंद शुक्ला के कमरे में गई और उनसे डिस्कशन करना शुरू किया। पवन खेड़ा जी ने आना था अगले दिन कि उनके कुछ चैनल्स में नॉर्मल मीटिंग मीटअप्स के लिए कि वो चैनल और अखबारों वालों से मिलने जाएंगे, कम्युनिकेशन इंचार्ज है।
तो एकदम से वो आदमी टेबल पे बैठा हुआ था, सुशील आनंद शुक्ला जो मीडिया चेयरमैन है वहां का, और वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया और उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुम ये काम खुद कर रही हो। मैंने कहा मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, वो मेरे चेयरमैन है, मेरा दायित्व बनता है एज अ कोऑर्डिनेटर कि मैं ये करूं। तो उसने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा पार्टी से कल जैसे ही वो आएंगे। तो मैंने तब भी कहा, मैंने कहा आप हमेशा लगातार गाली गलौज करते हैं, आप हमेशा पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं कि इस्तीफा दे दूंगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको इतनी तकलीफ है मैं इस्तीफा दे देती हूं। इसे करते करते उसने गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी, ऐसी ऐसी गालियां मीश जी मैंने कभी किसी को नहीं देते हुए सुना, मतलब मेरे कानों में अभी तक वो गूंजती हैं, मैं अपने जबान पे वो गालियां लेकर नहीं आ सकती। कांग्रेस के दफ्तर में, दफ्तर के अंदर कांग्रेस की राष्ट्रीय पदाधिकारी को कांग्रेस का एक पदाधिकारी गाली दे रहा है, और एक बार ही नहीं मतलब कई बार, और ये पहले भी हो चुका है, उस पर भी आऊंगी मैं, ये तो अभी रिसेंट वाला इंसिडेंट है। और इतनी गालियां दी कि मैं चिल्लाने लग गई, रोने लग गई, और मैं वहां पे बोली भी, चिल्लाई भी, बाहर स्टाफ बैठा था, मैंने कहा आप जाके नीचे से जो प्रभारी महामंत्री हैं उनको बुला के लाइए, कितना हंगामा हो रहा है। जब हम चिल्लाता रहा, मैं बोलती रही कि मैं आपकी प्रभारी हूं, आप लोग थे? तीन जने थे, वो स्वयं और दो और प्रवक्ता, और बाहर दो तीन स्टाफ बैठा हुआ था। तो जब मैं चिल्लाई और मैं बार बार बोली, मैंने कहा देखिए मैं आपकी प्रभारी हूं, मैं एक महिला हूं, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं एक AICC ऑफिस बेरर हूं। तो उस आदमी ने ऐसे इशारा किया और वो दो आदमी जो और थे उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तो टोटल कितने लोग? तीन लोग थे टोटल, और दरवाजा लॉक कर लिया गया और मैं अंदर तीन आदमियों के साथ, और दो जने, मुझे ये तो नहीं याद कि दरवाजा लॉक किसने किया था उन दोनों में से, और वो दरवाजे के आके खड़े हो गए। मैं अपने जीवन में कभी इतनी जोर से नहीं डरी, क्योंकि मैं लगातार जब चिल्ला रही थी, चीख रही थी वहां पे, तब भी कोई उठ नहीं रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था, और जब उन्होंने दरवाजा, झगड़ा हो रहा है, आप बातचीत कर रहे हैं, आप कभी नहीं सोचते कि कोई अंदर से दरवाजा बंद कर लेगा। फिर जब मैं रोई चिल्लाई, मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, मतलब मैं अभी भी सोचती हूं उसके बारे में तो मेरे पास शब्द नहीं रह जाते। और उसके बाद जब इतना कुछ हुआ, मेरे बिल्कुल ब्लैंक हो गई मैं, और फिर मैंने फोन उठाया और मैंने ऐसे उनके चेहरे पे फोन पकड़ लिया और कहा कि मैं फेसबुक पे लाइव कर रही हूं। मैंने उनको ये भी कहा कि मैं फेसबुक पे लाइव कर रही हूं, कैमरे की रिकॉर्डिंग चल रही थी, उनको दिख रहा था, पर मैंने उस वक्त बोला ये सब लाइव जा रहा है। तो वो थोड़ा सा डरे और इधर उधर हुए, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। कमरा लॉक था जी, और मैं अंदर, मतलब कांग्रेस ऑफिस में तीन लोग, मतलब थ्री मेन वर देयर एंड यू वर लॉक्ड इनसाइड द रूम। और मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने ये बोल दिया कि पवन जी दो चैनल में जाएंगे या अखबार के लिए इंटरव्यू के लिए जाएंगे, पर कोई भी कुछ भी बात हुई हो, लेकिन और आप चिल्ला रही हैं, आप रो रही हैं कांग्रेस दफ्तर के अंदर, कोई नहीं आया। किसी ने बाहर से, इतना स्टाफ था जो कांग्रेस का स्टाफ है, उस आदमी का नहीं, किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करी। सोचिए एक महिला अंदर, दो मुस्लिम लड़कों की भी बात आई, वो बाद में हुआ, पहले ये सब हो गया। फिर मैं भागती हुई नीचे गई महामंत्री के कमरे में, मैंने उनको कहा भी कि इतना कुछ हुआ है। वो जो वीडियो तब किसी ने बना लिया था जब मैं रो रही थी, तो मैं उनके कमरे में भूपेश बघेल जी के सलाहकार होते थे विनोद वर्मा जी, उनसे शिकायत कर रही थी। मैंने सचिन पायलट जी को कॉल किया, मैंने भूपेश बघेल जी को कॉल किया, पवन जी को किया, जयराम जी को किया, सबको कॉल किया, और सचिन पायलट जी द्वारा मुझे चुप रहने को कह दिया गया। बोला चुप रहो इस बात पे। देखिए सचिन पायलट जी कभी फोन नहीं उठाते हैं, वो खुद बतौर प्रभारी कभी आते भी नहीं है। ये शायद तीन चार दिन जो रुके, वो जब से प्रभारी बने उनका लॉन्गेस्ट स्टे था, उनके वो आते हैं पीए, वही सबसे मीटिंग करते हैं, जैसे कि वो स्वयं प्रभारी हैं, और कोई भी अगर बात करनी है पायलट जी से तो आपको उनसे करनी पड़ती है। जो एक जिसे कहते हैं ना, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व करते हैं, वही उसका पालन वो करे। जैसे राहुल जी, प्रियंका जी से आप बात नहीं कर सकते, आपको पीए से बात करनी है, वैसे ही सचिन जी से आप बात नहीं कर सकते। तो मैंने उनके फोन पे लगाया, उनके पीए ने फोन उठाया और मैंने कहा मुझे सर से बात करनी है, बहुत बड़ी घटना हुई है। तो उन्होंने कहा हम गाड़ी में, हम सरगुजा जा रहे हैं। तो मैंने कहा गाड़ी में ही बैठे हैं, आप बात करा दीजिए। तो
तो उन्होंने कहा बात क्या है। मैंने उनको बताया, उन्होंने होल्ड कराया, ब्रीफ किया सचिन जी को, और फिर मुझे कहा कि आप तुम चुप रहो, कुछ नहीं करना है, चुनाव का समय है, इसको देख लेंगे, ये कर लेंगे, चुप हो जाओ और कुछ नहीं बोलना। आप मतलब चलिए ये मैं समझ सकता हूँ कि अभी पब्लिक में जाइए, हम इसको इंटरनली सॉर्ट आउट करेंगे, बोला कि अभी चुप रहो भूल जाओ, चुनाव है 7 तारीख तक निकाल लो, और ये लगातार मुझे कहा जा रहा था पहले। ये वो पार्टी कर रही है जो कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिला न्याय, और वही पार्टी जो कर्नाटक का मुद्दा उठा रही है, महिला पहल। हमें रोज, मैं आपको अगर अपना फोन दिखाऊं तो हमारा जो स्ट्रेटजी ग्रुप है जिसमें हमारे को डेली का बताया जाता है कि क्या मुद्दे उठाने हैं, तो उसमें से एक मुद्दा यह है कि डिबेट को घुमा के बार बार कर्नाटक पे ले आओ। जो हुआ है बहुत अच्छी बात है, आप कर्नाटक पे बात करिए, आप मणिपुर पे बात करिए, आप पहलवानों पे बात करिए, लेकिन आपके घर के अंदर जो लड़की को आप ही का पदाधिकारी, हमारे लिए मंदिर है वो, तो मुझे तो ऐसा लगता है जो राहुल जी ने कहा था ना, आपको याद होगा कि मंदिर में लोग छेड़ने जाते हैं लड़की को, तो ये पार्टी का ऑफिस हमारा मंदिर ही होता है, वो शायद इसी मंदिर की बात कर रहे थे कि उनके पदाधिकारी महिलाओं के साथ क्या करते हैं। आपने दिल्ली जब ये बात पहुंचाई तो दिल्ली में भी कोई हिला नहीं इस बात को लेकर कि मुझे तीन, कांग्रेस पार्टी में किसी की रीढ़ की हड्डी नहीं है अमीश जी, तीन लोगों ने मुझे एक कमरे में बंद कर लिया था। तो भूपेश बघेल जी को सबसे पहले मैंने फोन किया, हम बतौर बेटी हमें हर साल बुलाते थे वहां पे तीजापुरा का फेस्टिवल मनाने, और मैंने उनको कहा मुझे 7 साल से जानते हैं, मेरे परिवार को जानते हैं, आप जानते हैं मैं किस तरीके की फैमिली से आती हूं, और मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई है। तो 3-3.25 मिनट मेरी उनसे बात हुई, और बघेल जी ने, मैंने उनको कहा कि मैं इतनी परेशान हूं, उस समय मैं हॉस्पिटल से आ रही थी, 154 पे मेरी हार्ट बीट थी, अगर आप उसे मेरी घड़ी देख लेते ऐसा लगता कि वो फट जाएगी, और मैंने कहा मैं हॉस्पिटल से आ रही हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं। किसी भी महिला के साथ इस तरह की अगर घटना हो जाएगी, अगर हमारे पड़ोस में भी कोई चिल्ला रहा हो, तो कहीं आसपास भी कोई चिल्ला रहा हो, तो हम जाके देखेंगे। अगर कांग्रेस ऑफिस में किसी ने देखा नहीं, किसी ने पूछा नहीं, और फिर कहा जा रहा है मामले को दबा दीजिए, मतलब सचिन पायलट ने ऐसा बोला, भूपेश बघेल ने क्या बोला? भूपेश बघेल जी ने कहा नहीं, राजनीति नहीं, तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो। उन्होंने एक बार नहीं बोला, अच्छा, एक लड़की जो अपने परिवार से दूर बैठ के कांग्रेस के लिए सुबह शाम काम कर रही है अपने घर के पैसे लगाकर, मैंने आज तक कांग्रेस पार्टी से एक रुपया नहीं लिया, और अब मेरे पैसे से इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मैं अपने घर के पैसों से, आप होटल्स के बिल्स निकलवा के देख सकते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी से कुछ नहीं लेती थी सिवाय इस टाइम के जब मुझे कहीं दूर जाना होता था, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, तो मैं उनको कहती थी आप गाड़ी मुझे प्रोवाइड कर दीजिए जो मुझे सेफली ले जाए और ले आए, उसके अलावा मैंने कांग्रेस पार्टी से कुछ नहीं लिया, एक भी स्टे का, एक रुपये का खाना नहीं खाया, चाय नहीं पी उनकी, और फिर मुझे ये बोला गया कि छत्तीसगढ़ छोड़ दो। मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद जब मेरी, उस वक्त मेरी पवन जी से भी बात हुई थी, पवन जी को मैंने बात से बताया था, पवन खेड़ा जी, और लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, इस पूरे इंसिडेंट में अगर कोई इंसान जिसने मुझसे बात करी लगातार, मेरा पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है, और जितनी उनके बस की कोशिश थी उन्होंने करी, वो पवन खेड़ा जी थे। उसके अलावा जितना वो कर सकते थे, उनके हाथ में बंधे हुए थे, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो मेरे लिए कुछ कर सके, वो जितना कर सकते थे कि मुझसे बात करें, जब वो छत अपनी इंसानियत के नाते, तो अगर उन्होंने वो करी, वो इंसानियत के नाते तो मुझसे मिलने आए होटल में, मुझसे बात करी, उन्होंने मुझसे पूछा मैंने खाना खाया कि नहीं, अपने साथ बैठ के खाना खिलाया, ये उनकी जो बात है, उनके अलावा किसी के अंदर इतनी रीढ़ की हड्डी नहीं थी कि वो एक लड़की से बैठ के बोल सके कि नहीं बेटा मैं ध्यान रखूं, या बघेल जी ने इतना ही तो कहना था कि मैं बात करता हूं, क्या बात है पता करता हूं, तुम चिंता मत करो। एक यही होता है जब कहीं पर झगड़ा होता है या कोई विवाद होता है, उसको सुलझाने की कोशिश करी जाती है, लेकिन यहां पे लगातार मुझे बोला गया चुप रहो। यहां पर जो आपको क्या लगता है कि जो आरोपी थे उनको प्रोटेक्ट करा जा रहा है? जी बिल्कुल, अभी तक किया जा रहा है। वो आरोपी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कभी गुरदीप सप्पल जी के साथ बैठ के, कभी पवन जी के साथ बैठ के, कभी आलोक शर्मा जी के साथ बैठा होता है, कभी आज प्रदेश अध्यक्ष। इतनी बड़ी चीज हो गई, अभी तक अमीश जी 7 दिन हो गए, आज तक एक भी शो कॉज नोटिस नहीं गया। सारी बातें ये की, और ये को कांग्रेस कह रही है जो कहती है हम नारी के साथ न्याय करेंगे, लड़की हूं लड़ सकती हूं, पूरी कहानी को गड़ा जाता है। अमीश जी, न्याय की बात होती है ना, तो मैं आपको एक और बात बताती हूं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ से गुजरते हुए गई, तो छत्तीसगढ़ की न्याय यात्रा की भी मीडिया की देखरेख मैं कर रही थी। यही लोग थे, हम लोग सब कोरबा सरगुजा गए, कोरबा के होटल में हम थे, और लगातार सुशील आनंद शुक्ला और उनके एक साथी है धनंजय ठाकुर, एक और प्रवक्ता है, लगातार मुझे फोन पे फोन किए कि मैडम आप कौन सा ब्रांड पियेंगी, आपके कमरे में हम लेकर आ जाते हैं।
फिर मना कर दिया मैंने। फिर मुझे फोन आया कि आप बताइए आपकी बिल्कुल प्रिवेसी मेंटेन होगी, आप जो ब्रांड चाहिए उसके साथ क्या खाने को चाहिए हम आपके कमरे में लेकर आते हैं। मैंने मना कर दिया। आपको शराब पीने के लिए बोल रहा? जी, मैंने मना किया। उसके बाद वो मेरे कमरे पे आके ठक ठक भी किए। मैंने अपना कमरा खोला नहीं, मैंने आई ग्लास से देख लिया कि वो लोग थे, मैंने इग्नोर किया। उसके बाद और वो पूरा ग्रुप था उनका, प्रवक्ताओं का, 6-7। पर ये आपने पार्टी में नहीं? मैंने बताया, मैंने जयराम रमेश जी को वहां पे बताया, मैंने दीपक बैद जी जो अध्यक्ष, ये राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा जी, मैंने राहुल गांधी जी की टीम को भी बताया जो वहां पे हो थी कि ऐसा ऐसा किया गया, सचिन पायलट को भी बताया, सबको बताया मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आप सोचिए कि डाउन द लाइन जो कार्यकर्ता है उनको क्या क्या सहना पड़ता होगा। तो मैं उम्मीद करती हूं कि उनको इस बात से थोड़ी हिम्मत मिलेगी लड़ने की और वो चुप नहीं रहेंगी। लड़कियां हैं, लड़ेंगी और अपने न्याय और अपना हक लेकर रहेंगी। आप अपना ध्यान रखिए और आप बहुत मजबूती से अपनी लड़ाई को लड़ रही हैं और आगे भी लड़ेंगी। आपको बहुत बहुत मजबूती ईश्वर दे। आप हमारे पॉडकास्ट में आई, आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।